इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स कैसे पता करें, अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत आसान है। देखिए इंटीग्रेशन को इस सिंबल के द्वारा लिखते हैं, इसको आई के इक्वल टू लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, देखो लेट ये जो माइनस एक्स है इसको इक्वल टू टी मान लिया, डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया, वन हो गया। टी का क्या आएगा दोस्तों, डी टी बाई डी एक्स आएगा, डी एक्स को मैंने इस साइड भेज दिया, इसको बोथ साइड माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आपका क्या बन जाता है, डी एक्स बराबर माइनस डी टी बन जाता है। यानी इस आई के इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से देखो, इस एक्स माइनस एक्स को हमने क्या माना है, टी माना है, डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ गया, माइनस साइन मैं बाहर लेके लिख देता हूँ। ई का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, वही जो आपका है, जैसे ई की पावर टी है तो ई की पावर टी आता है, ठीक है, ओके। यानी ई की पावर टी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, ई की पावर टी होगा, और ये माइनस साइन आपका साथ रहेगा, साथ में कांस्टेंट सी लेकर चलेंगे प्लस में, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है। अब देखिए यहाँ पर जो टी है, टी वास्तव में क्या है, माइनस एक्स है, इसको वापस एक्स के फॉर्म में लिख देना है, तो ये आपका ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है, ओके। आसान है, चैनल सब